नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का ये जो वीडियो है वो मैंने उन सभी के लिए बनाया है जिन्होंने मेंबरशिप ली है। और मेंबरशिप जो है वो मैं नए यूजर्स के लिए बता देता हूँ, मेंबरशिप जो है वो अनलिमिटेड है। यानी कि आप लोगों को अभी ASP.NET Core का कोर्स चल रहा है, तो ASP.NET Core के सारे कोर्स कॉन्टेंट आप लोगों को वीडियोज प्लस प्रोजेक्ट्स वीडियोज सारे आप लोगों को मेल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, जस्ट वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोगों को फिल करना है सिंपल। उसके बाद में आप लोगों को वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के मेल के ऊपर। और पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड बनाया है। और इसमें एक प्रोजेक्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट शामिल है, तो उसी के ऊपर ही आज मैंने ये एक और वीडियो बनाया है। और उसका रीजन यही है कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि जब मैंने कोर्स का जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हर एक हिस्से के ऊपर जाकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा वो हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, हमारी जो रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट के बीच की वो यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं वो आज मैं आप लोगों को यहां इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो एक सिंपल टास्क है लेकिन उसे कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं। और प्रोजेक्ट को सोचना कैसे है, समझना कैसे है, करना कैसे है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जो रफ डायग्राम्स होते हैं वो आप लोगों को सबसे पहले जो है बनाने पड़ते हैं कि प्रोजेक्ट की जो वर्किंग होगी वो कैसे होगी। तो सबसे पहला टास्क ये होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में जाने कि एक्चुअली में आप लोगों को करना क्या है, उसकी जो नीड है वो फुलफिल आप लोगों की होनी चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मानकर चलिए, हम लोग एक कॉन्सर्ट बुकिंग का एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, तो यहां पर हमारे पास कॉन्सर्ट से रिलेटेड सारे के सारे डेटा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमारे पास जहां पर कॉन्सर्ट हो रहा है उस प्लेस का पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि उसको हम लोग वेन्यू बोलते हैं कि कॉन्सर्ट का वेन्यू क्या है, तो कॉन्सर्ट के वेन्यू का एक प्रॉपर आईडी होना चाहिए। कॉन्सर्ट, क्योंकि ये वेन्यू नहीं हो सकता, मल्टीपल वेन्यूज हो सकते हैं, राइट? तो एक कॉन्सर्ट एक ही वेन्यू के ऊपर होगा, ये तो आप लोगों को पता है, तो उसका वेन्यू आईडी जो होगा वो तो डेफिनेटली बनेगा। दूसरा ये होगा कि जो वेन्यू है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसमें सीट कैपेसिटी होगी कि कितनी सीट्स जो है वहां पर आने वाली है, तो ये पूरी डिटेल जो है वो वेन्यू के बारे में आप लोगों को गैदर करनी पड़ेगी। उसके बाद में वहां पर आकर कोई ना कोई आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करेगा, जिसे हम लोग कॉन्सर्ट का नाम दे देते हैं, तो उस कॉन्सर्ट में आर्टिस्ट की डिटेल भी होनी चाहिए, उस कॉन्सर्ट की कोई ना कोई फीस भी होनी चाहिए, उस कॉन्सर्ट की अगर हम लोग ये देखें कि कोई डेट टाइम होना चाहिए कि वो कॉन्सर्ट जो है इस डेट को इस टाइम पर अवेलेबल होगा या अपियर होगा, तो यहां पर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन कॉन्सर्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कॉन्सर्ट का स्पेशल आईडी, कॉन्सर्ट का डेट एंड टाइम कि कब होगा, कॉन्सर्ट का आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि डेट एंड टाइम हम लोगों ने बताया, कॉन्सर्ट का प्राइस क्या है, ठीक है? तो ये सारी डिटेल कॉन्सर्ट्स के बारे में है। कॉन्सर्ट्स का इमेज जो परफॉर्म करने वाला है, आर्टिस्ट की इमेज जो आर्टिस्ट का आईडी जो है वो कॉन्सर्ट में होना चाहिए, क्योंकि कौन कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा है उस आर्टिस्ट के बारे में कॉन्सर्ट के अंदर वो होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट परफॉर्म करता है कॉन्सर्ट को, राइट? तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि एक आर्टिस्ट मल्टीपल कॉन्सर्ट को परफॉर्म करता है, तो हम लोगों को कॉन्सर्ट वाली टेबल के अंदर आर्टिस्ट की जो आईडी है वो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सर्ट के अंदर आईडी आएगा तभी पता लगेगा कि कॉन्सर्ट को परफॉर्म कौन कर रहा है। अब हमारे पास बुकिंग की टेबल आती है कि हम लोग बुकिंग कैसे करेंगे उसकी, क्योंकि यहां पर हमारा वेन्यू सेट हो गया, हमारा कॉन्सर्ट सेट हो गया, हमारा यहां पर आर्टिस्ट सेट हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं बुकिंग के ऊपर कि हम लोगों की बुकिंग कैसे करनी है। हम लोग उस डेट को जो है फिक्स कर देंगे कि ये डेट जो है उतनी सीट जो है, जितनी सीट कैपेसिटी अपनी वेन्यू के पास है उतनी सीट्स हम लोग गेट करेंगे, कि यहां पर सीट कितनी है, वन से लेके मैक्सिमम जो सीट है उसका हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट को हम लोग जो है जो नंबर हमारे पास है उतने पूरे के पूरे हम लोग यहां पर ले लेंगे। जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास यहां पर 20 की सीट कैपेसिटी है, तो हम लोग वहां पर 20 का सीट कैपेसिटी रखेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, उसके बाद में हमारे पास सीट कैपेसिटी हो गया तो हम लोग जो है उतनी ही सीट जो है वो बुक करेंगे। और वो कैसे बुक करेंगे हम लोग, तो
हम लोगों को पहले पूरा कॉन्सर्ट के बारे में डिटेल हम लोगों के सामने होगा, उसके बाद में हम लोग बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सीट्स जो है वो अवेलेबल होंगी कि कौन कौन सी सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है और कौन सी अवेलेबल है। तो हमारे पास जो सीट्स रिजर्व्ड है उसके बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो नंबर हमारे पास आना चाहिए, सीट का नंबर। अब हमारे पास आता है कि सीट का नंबर किस में होना चाहिए, तो सीट का नंबर टिकट में होना चाहिए, जो टिकट रेज होगी बुकिंग के बाद में हमारे पास टिकट रेज होगी तो उसमें वो सीट नंबर होना चाहिए। गॉट इट? तो यहां पर उस सीट उस कॉन्सर्ट को बुक कौन कर रहा है उसकी यूजर आईडी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो मैंने कलेक्ट किया है और ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट होने के बाद ही आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो यहां से प्रोजेक्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, उसके बाद में उसमें टेबल्स बनती हैं। टेबल्स कैसे बनाते हैं वो आज का टॉपिक है, या हम लोग फ्लो कैसे करें किसी भी चीज का वो आज का टॉपिक है। तो ये चीजें हम लोगों को कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बनानी होती है। तो जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोगों ने की, उसके बाद में हम लोग उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप करेंगे और हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टेबल में ये डाटा जो है वो जाने वाला है फाइनली। उसके बाद में हम लोग जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे हमारे रो डायग्राम के अंदर कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन जाने वाली है तो ये इंफॉर्मेशन यहां से आने वाली है, राइट। उसके ऊपर हम लोग फिर हम लोग जो है जो डीएफडी जो डायग्राम होते हैं या जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उनमें हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि यहां से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहां पे ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम लोग उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो हम लोग अपने रो डायग्राम के अंदर ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि यहां पर ये जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसके लिए हम लोग कहां पर क्या चीज जो है वो स्किप करें ताकि हम लोग इन फ्यूचर में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि फ्यूचर में हम लोग अगर ये चीज आती है तो हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे ही सेटअप किए जाते हैं। अब हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि ये प्रोग्राम जो है जो कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम है मैं आप लोगों को अब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। मेंबरशिप के अंदर ये इंक्लूड है ये प्रोजेक्ट, और हम लोगों ने एक फेज जो है वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैंने 10 दिन के वीडियोस और साथ ही सोर्स जो सोर्स कोड है जो वीडियोस का सोर्स कोड है वो साथ में मैंने सभी मेंबर्स को भेज दिया है, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनको लेट मिलेगा और जिनको जिन्होंने पहले रजिस्टर कर दिया था उनको वो कंटेंट पहले मिल गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही होता है कि जो मेरा सिस्टम है मेरा सिस्टम वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है और मैंने ही ऐसे ही ये सिस्टम जो है वो डिजाइन किया है कि ऑटोमेटिकली वो डे वाइज डे आप लोगों को सेंड करता रहता है। तो फाइनली हम लोग यही बोल देते हैं कि अगर आप लोगों को एक चीज मैं नोट में बीच में इंटरप्ट रख रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास वो मेल नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना स्पैम मेल चेक कीजिए, अपना चंक मेल चेक कीजिए, वहां पर आप लोगों को 100% वो मेल मिलेगा ही, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, और उस नेक्स्ट फेज में हम लोग चलते हैं हमने डायग्राम्स की ओर कि हम लोग अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो हम लोग उनके डायग्राम्स कैसे बनाएं, हम लोग उसका इनिशिएशन कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि मेंबरशिप में मैंने पूरा सोर्स कोड, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पूरा सोर्स कोड मैं दे रहा हूं, तो पूरा कोड मैं मेंबरशिप वाले प्रोग्राम में ही बनाऊंगा। यहां पर मैं इनिशिएट करके आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, जब भी आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट हो तो पहले आप लोगों की नीड पूरी होनी चाहिए। किसी भी क्लाइंट से आप लोग उसकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट लीजिए, उसके बाद में ही आप लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट होना स्टार्ट होता है। अदरवाइज आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो बीच में ही खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अगर जो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है वो कंप्लीटली पूरा सीख जाएगा, और इवन ये नहीं कि .NET ही सीखेगा, jQuery वो सीखेगा, SQL वो सीखेगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो सीखेगा इस मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो मेंबरशिप प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग जस्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वो आप लोग ज्वाइन की वो आप लोग फिल कर दीजिए, फाइनली आप लोग मेंबर बन जाएंगे टेक्नोलॉजी कीड़ा के। तो चलिए चलते हैं उस रफ डायग्राम की ओर जो आप लोगों को बनाने हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, कहां कहां पर चीजें हम लोगों को प्लेस करनी है, फाइनली हम लोग वो चीजें सीखते हैं। तो इसमें आप लोगों को रफ डायग्राम्स ही बताए जाएंगे कि कौन सी चीजें जो है वो कहां पर प्लेस हो रही है, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं और बताते हैं आप लोगों के कि कौन सी चीजें आप लोगों को कहां पर पुट करनी है, कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारा क्या चीजें हम लोगों को बनानी है। चलिए चलते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट से। और इसमें हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि भाई आप लोगों के पास ये 5 टाइप्स के बॉक्सेस हैं और वो क्या है, किस लिए बनाए गए हैं, वो आप लोगों को भी बनाने हैं। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड जो है वो मैं मेंबरशिप के अंदर में बताऊंगा और उन सभी को भी फायदा होगा क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्टेंट है वो उनको एक बार के लिए बता दिया है। तो अब मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा और प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को ये जितना भी पार्ट होगा उतना पार्ट मैं उनको कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि ये पार्ट ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही सिखाता हूँ। ठीक है, तो 500 रुपीज में मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ सीखेंगे नहीं, बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है मेंबरशिप प्रोग्राम तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसका जो फी है वो बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने वेन्यू ऐड किया है, कॉन्सर्ट ऐड किया है, बुकिंग ऐड किया है, आर्टिस्ट ऐड किया है और टिकट ऐड किया है, राइट। सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेन्यू के पास अपना आईडी है, नेम है, एड्रेस एंड कैपेसिटी है। हम लोग अजम्पशन करके चलिए कि हमारे पास यहाँ पर वेन्यू है, राइट। तो वेन्यू के केस में क्या होगा, वो जगह जहाँ पर कॉन्सर्ट करवाया जाता है तो उसका आईडी हम लोगों को रखना है, नेम हम लोगों को रखना है, एड्रेस हम लोगों को रखना है और कैपेसिटी हम लोगों को रखना है। अब हम लोगों को कैपेसिटी का मतलब है सीट कैपेसिटी की कितनी टिकट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेन्यू जो होता है उसमें मल्टीपल कॉन्सर्ट करवाए जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग कॉन्सर्ट वाली टेबल में वेन्यू का आईडी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि कॉन्सर्ट होना है तो कॉन्सर्ट में आर्टिस्ट तो जरूर होगा ही, कॉन्सर्ट का नेम होगा, कॉन्सर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, डेट टाइम होगा कि कब वो कॉन्सर्ट होना है, और उसके साथ ही हम लोगों को ये भी डिटेल मालूम होगी कि वेन्यू आईडी क्या रहेगा, ठीक है, कि कहाँ पर वो कॉन्सर्ट होना है। अब साथ ही उस आर्टिस्ट को जो करेगा उससे आर्टिस्ट आईडी होगी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्टिस्ट मल्टीपल कॉन्सर्ट कर सकता है, तो 1-to-many का यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा और वेन्यू का भी कॉन्सर्ट के साथ 1-to-many का रिलेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोगों को इसको विजिबल कैसे करना है, मोस्ट ऑफ द यूजर के यही क्यूरोसिटी रहती है कि इसको यूआई में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्सर्ट जो है वो डिस्प्ले करना है, लिस्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। तो हम लोग एक टेबल जो है उसमें नहीं डिस्प्ले करेंगे, हम लोग कार्ड की फॉर्मेट में बूटस्ट्रैप लगाएंगे यहाँ पर और हम लोग कार्ड की फॉर्मेट में कॉन्सर्ट जो है उसका बेसिक डेटा देंगे, जैसे कि कॉन्सर्ट का इमेज हो गया, कॉन्सर्ट का नेम हो गया, आर्टिस्ट हो गया। तो बैजेस की फॉर्म में हम लोग जो है आर्टिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे और कॉन्सर्ट की इमेज डिस्प्ले कर देंगे। तो लिस्ट ऑफ कार्ड हम लोगों के सामने आ जाएंगे कि ये कॉन्सर्ट यहाँ पर चले हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग उस कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डिटेल व्यू खुलना चाहिए जहाँ पर कॉन्सर्ट की डिटेल हम लोगों को पता चले कि कॉन्सर्ट का डेट टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, आर्टिस्ट कौन है, कॉन्सर्ट का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सेट्रा। तो जैसे ही वो हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी टिकट्स हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी टिकट्स जो है वो अवेलेबल है और कौन सी टिकट्स जो है वो बुक्ड है। सो फाइनली हम लोग चलते हैं बुकिंग की ओर। सो क्योंकि हम लोगों को बुकिंग करना है, अब हम लोग बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को जो भी सीट कैपेसिटी जो वेन्यू की है उस वाइज हम लोगों को टोटली फाइंड आउट हो जाएगा कि यहाँ पर टोटली सीट कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आ गया सीट कैपेसिटी, राइट। सो सीट कैपेसिटी है हमारी मान के चलिए 10, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 1-to-enumerable करके डॉट हम लोग ये निकाल सकते हैं डॉट सेलेक्ट कि 1 से लेके हमारे पास 20 है तो हमारे पास ये अवेलेबल सीट्स हैं, राइट। अगर इसमें से नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8 ये बुक्ड है, ठीक है, तो अगर ये बुक्ड है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि डेफिनेटली हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि ये नंबर तो ना आए तो हम लोग इस लिस्ट में से एक्सेप्ट कर देंगे, राइट। तो ये नंबर जो है वहां से हम लोग हटा देंगे और वहां पर हम लोग क्या ले आएंगे, न्यू नंबर, राइट, जो इस लिस्ट में नहीं होगा, जो बुक्ड नहीं होंगे, वो नंबर हम लोगों को चाहिए है और वो नंबर हम लोग डिस्प्ले कर देंगे व्यूज के अंदर, राइट। उसके बाद में हम लोग चेक मार्क जो है चेक बॉक्सेस के द्वारा सीट को बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग बुक करेंगे तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है बुकिंग से टिकट भी बन जाएगी, क्योंकि तो कौन सा सीट नंबर हम लोगों ने बुक किया है, तो बुकिंग जो आईडी है उसमें हमारा जो है, यहाँ पर देखिए बुकिंग की जो आईडी है वो हमारे टिकट्स में चली जाएगी, दैट इज राइट। सो हमारे पास टिकट आईडी हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, उसका सीट नंबर भी हम लोग विजिबल कर सकते हैं और ये जो सीट नंबर है वो इस बुक्ड है या नहीं है, ये बूलियन प्रॉपर्टी हमारी उसमें सेट हो जाएगी और साथ ही कॉन्सर्ट आईडी भी डिटेल हो जाएगी। तो कॉन्सर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग टिकट के जरिए डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो मेंबरशिप में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और फाइनली ये कैसे बनेगा, इसका यूआई कैसे होता है, एडमिन का डैशबोर्ड जो है वो डायनेमिक हम लोग बनाएंगे, डायनेमिक इन सेंस ऑफ हम लोग ये जो डेटा है
वो हम लोग व्यू के जरिए जो है चार्ट्स के जरिए या इनसे दिखा सकते हैं ना। लेकिन अभी मैंने मेंबरशिप वालों को जेक्वेरी नहीं बताया है, आगे चलकर जेक्वेरी का भी प्रोग्राम चलेगा और वो इसी 500 रुपए में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 500 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, नहीं, 500 का मतलब अनलिमिटेड कोर्सेस और अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कोर्स अगर आप लोगों को सीखना है तो प्लीज जरूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं 1 by 1 वीडियोस आप लोगों के पास सेंड कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।